कलाकार का जिंदगी का पूरा सफर ट्रैवल मतलब म्यूजिकल ट्रैवलिंग, तो क्या अनुभव हुआ, क्या उस्ताद से पंडित से मिल के साथ एसोसिएशन करके जो कुछ मिला उसको एक्सपीरियंस यहाँ प्रोड्यूस करना है जो विद्यार्थी को इतना उसमें आसान होता है और इतना नॉलेज मिलता है जो बड़ी मतलब अच्छा कलाकार बनने के लिए जो जो चाहिए उसका कितना कितना तरीका मिलता होगा। तो आई रियली एम सो हैप्पी टू सी दैट अनुभव, द नेम अनुभव इज फैंटास्टिक, मीन्स अनबिलीवेबल, अनपैरेलल द कॉन्सेप्ट अनुभव, एंड स्पेशली इन हरिजीज यू नो गुरुकुल वृंदावन में ये जो हो रहा है, ये तो इसका कभी नहीं म्यूजिक में ऐसा हुआ था। जो कलाकार क्या होता है, स्टेज पे आते हैं, गाना बजना डांस करते हैं, चला जाते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस और एनालिसिस जीवन में हुआ करके जो आज यहाँ पहुँचा, तो वो शेयर करना है। बाल मुरली जी के सहवास से आपके गाने में कैसे अलग एंगल आ गया? नहीं, बाल मुरली जी देखिए तो एक जीनियस थे। एक ही बात मैं बोलूँगा कि उनके साथ कभी मेरा गाना उन्होंने नहीं गाया, डुएट में गाया। 100 से कम प्रोग्राम उनके साथ किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जर्मनी में, अमेरिका में, मुंबई में, जाकिर भाई भी बजाए कई प्रोग्राम में किया, मगर जब वो गाते थे उन्हीं के साथ मुझे गाना पड़ता था, कोई बंदिश मेरा उन्होंने नहीं गाया। मगर उसका जो गमक है, कर्नाटक म्यूजिक का गमक और हिंदुस्तानी संगीत का गमक अलग है। तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, यू आर ए वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही एक्सपीरियंस तबला वादक। आप जैसे ये मालकोस का है, तो ये जो जल्दी हो जाता है और विलंबित जो चीज़ है वो कर्नाटक म्यूजिक में आया ही नहीं, इसीलिए ठहराव नहीं हुआ। जब सुर लगता है कि आहा, वो चीज़ एक लय के नीचे आना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता है वो। उसके लिए एक सच बात बोल रहा हूँ, भारत रत्न प्रोफेसर सेना राव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री। अब्दुल कलाम जी जैसे हैं, उनके बाद इन्हीं को सब लोग मानते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट। ही इज़ फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, राव, प्रोफेसर सी एन आर राव। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो पिछले महीने में मैं 2 दफ़े उनके साथ मिला, एक दफ़े उनसे मिलने के लिए गया था, एक दफ़े उनके पास गाने के लिए गया था। उन्होंने बोला कि अजय जी, आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग कर्नाटक म्यूजिक। तो मैं बोला कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? बोले 15 मिनट में सब राग खत्म, आई डोंट लाइक दिस। आई यूज टू लव शुभलक्ष्मी जी एंड संबनगुड़ी श्रीनिवास आया जी, उनका सुनता था। आई हैव स्टॉप्ड, नाउ इट इज़ आई ओनली लिसन टू योर म्यूजिक। तो मुझे इतना शर्म आया, मैं एकदम सर झुका लिया, बोले कि सुर का मज़ा अगर नहीं है और लिटरेचर नहीं है तो मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं है। तो एक साइंटिस्ट के दिल में ये सवाल है, इससे पता चला। क्योंकि अभी बहुत कर्नाटक म्यूजिशियंस के बच्चे मेरे पास सीखना शुरू किया, इसका मतलब नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि उनको पता चला कि ठहराव की ज़रूरत है। और बच्चों का या सीनियर म्यूजिशियन सभी को ये ठहराव का ज़रूरत आया। एक ज़माना था जब स्किल को सबसे ज़्यादा माना जाता था, जब कुमार गंधर्व जी आए थे उभरते हुए 8 साल उम्र में, तो क्या वो गाते थे, तो दुनिया को उन्होंने जीत लिया था। मगर समय के साथ अभी भी है, अभी भी तान सरगम में लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, मगर सुर का भी एक जगह हो चाहिए। ये दिस इज़ माय पर्सनल रीडिंग, जो कि मैं तो इन लोगों के माफी इतना प्रोग्राम नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ
मैं इसको देखता हूँ कि सुर का असर है। अब जैसे कि हो हो सया, ये सुर का जो है से आ, से आ, आ, से आ, से आ। अगर बीच बीच में ठहराव ना हो तो फिर शायद हमारा संगीत का कोई मतलब नहीं होता।